हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मान लीजिए आपको सिर्फ हीमोग्लोबिन का वैल्यू पता हो तो क्या आप इससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स को निकाल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको अगर सिर्फ हीमोग्लोबिन का वैल्यू पता हो तो आप इससे RBC काउंट, HCT जिसको हम हेमेटोक्रिट बोलते हैं उसको, और MCV, MCHC सबको निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि सिर्फ हीमोग्लोबिन से हम कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं तो अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ अगर हम वीडियो लास्ट स्टार्टिंग में ही या बीच में स्टॉप कर देंगे तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा और आपको प्रॉब्लम होगी। लास्ट में इससे रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन बताएंगे, इसको ज़रूर से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम हीमोग्लोबिन से RBC कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं निकालने का ऐसा क्या फार्मूला है। बस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन से निकालेंगे RBC। इसके लिए फार्मूला होता है हीमोग्लोबिन RBC इज इक्वल टू हीमोग्लोबिन डिवाइड बाई 3। मतलब कि जितना हमारा हीमोग्लोबिन है उसमें अगर 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा RBC का जो वैल्यू है हमको पता चल जाएगा। जैसा कि हम वीडियो में देख रहे हैं कि 12.1 है और हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4.0 हमारा आता है। अगला देखते हैं HCT। HCT का जो निकालने का फार्मूला होता है, HCT इज इक्वल टू HB इंटू 3। मतलब कि हीमोग्लोबिन में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा HCT निकल जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो इसमें इस जो फार्मूला है इसमें हम अपना पुट करेंगे और हमारा जो HCT है वो निकल गया 36.3%। इसका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं MCV। MCV को कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला है MCV इज इक्वल टू HCT इंटू 10 अपॉन RBC। अब इसमें हम इसका सभी का जो ऊपर वैल्यू निकाले हैं हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा MCV कितना आया। HCT का मान भरें और उसके बाद 10 से इसमें मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करने के बाद इसमें जब फाइनली हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आता है वही हमारा होगा MCV। तो इस केस में क्या आंसर आ रहा है, 90.7 हमारा MCV हो गया। अगला है MCH। MCH को कैसे निकालते हैं, MCH को भी निकालने का एक फार्मूला होता है, MCH इज इक्वल टू हीमोग्लोबिन इंटू 10 अपॉन RBC। इस फार्मूला में हम जो वैल्यू है RBC का और हीमोग्लोबिन का पुट करेंगे और हमको मिलेगा MCH। तो पुट करते हैं, हीमोग्लोबिन का मान रख दिए हम 12.1 इंटू 10 अपॉन 4.0। इसको जब हम मान रखने के बाद जब कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 30.2 आएगा। अगला है MCHC। MCHC को कैसे निकालते हैं, MCHC इज इक्वल टू हीमोग्लोबिन इंटू 100 अपॉन HCT। अब इसमें हम क्या था, हीमोग्लोबिन और HCT का जो वैल्यू है पुट करेंगे और हमको जो मिलेगा वो होगा MCHC। वैल्यू को हम पुट करते हैं, करने के बाद हम कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन पे जितना भी आंसर आएगा वो हमारा होगा MCHC। तो इस केस में कैलकुलेशन के बाद 33.3 आ रहा है। क्या आ रहा है, हमारा MCHC। तो फ्रेंड्स, ये रहा कि कैसे हम सिर्फ हीमोग्लोबिन से RBC, HCT, MCV, MCH और MCHC को निकाल सकते हैं। ये तो हम निकालने का हो गया, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिस अब हम बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन से हम इसको अगर निकाल रहे हैं तो सिर्फ हम अप्रॉक्सीमेटली हमको पता हो पाएगा, एक्यूरेट आंसर नहीं पता होगा। मान लीजिए हीमोग्लोबिन 12 है तो RBC 4 मिलियंस मतलब 40 लाख आ रहा है, तो हो सकता है जो आपका रिजल्ट हो मतलब अगर जहाँ से आप CBC कराए हो सकता है उसमें 38 लाख दिया हो 3.8 हो, या फिर हो सकता है 42 लाख मतलब 4.2 हो। आप सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली रिजल्ट लगा सकते हैं, किसी किसी केस में एकदम एक्यूरेट भी हो जाता है। तो आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि
हीमोग्लोबिन इतना है तो नीचे का जो चार पांच पैरामीटर्स हैं अप्रॉक्सीमेटली कितना होना हो सकता है, एकदम एक्यूरेट नहीं है, एकदम आप कहीं भी इसको कंफर्मेशन नहीं कर सकते, सिर्फ हल्का सा ट्रिक है जिसको आपको सिर्फ आइडिया दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।